नमस्कार, वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का महाविकास आघाड़ी सरकार को बड़ा झटका, परमवीर सिंह के सभी मामलों की जांच अब सीबीआई के हवाले। नाबालिग ने 31 वर्षीय व्यक्ति को उतारा मौत के घाट, मोबाइल फोड़ने के विवाद को लेकर की हत्या। और लेट आने पर डॉक्टर ने चपरासी को लात घूसों से मारा, वीडियो हुआ जमकर वायरल। अब खबरें विस्तार से। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाविकास आघाड़ी सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को परमवीर सिंह के सभी मामलों की जांच करने का निर्देश दिया है। परमवीर सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार उन्हें कार्रवाई से भी बचाया गया था। उन्होंने यह भी मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ सभी मामलों की जाँच सीबीआई को सौंपे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को परमवीर सिंह के खिलाफ सभी मामलों की जाँच करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच मुंबई पुलिस और सीआईडी कर रही थी। हालांकि अब यह महाराष्ट्र सरकार को बहुत बड़ा झटका है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी मामले अब सीबीआई को सौंपे गए हैं। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि सीबीआई इन सभी मामलों की जांच कैसे करती है। परमवीर सिंह प्रकरण में सुनवाई के दरमियान महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखा था। किसी भी जांच के लिए राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है। सरकारी वकील ने कहा कि सीबीआई जांच से महाराष्ट्र पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा। अभियोजकों ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के खिलाफ थी। मोबाइल फोन ने जैसे मामूली विवाद को लेकर एक नाबालिग ने 31 वर्षीय व्यक्ति को मौत के घाट उतारा। ये मामला है वाटोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत का, जहां नाबालिग ने प्लास्टिक कंपनी में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आशा लता खापरे ने अधिक जानकारी साझा की। शहर में हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी श्रृंखला में एक और हत्या की वारदात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले रेणुका नगर में एक प्लास्टिक कंपनी में मृतक रिंकू उर्फ सलीराम आरोपी नाबालिग का फोन इस्तेमाल कर रहा था, जिस दरमियान उससे वो गिरकर फूट गया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, और इसी चीज को लेकर तैश में आकर आरोपी ने रिंकू के सर पर लकड़ी के डंडे से वार कर उसे जख्मी कर दिया। हालांकि रात को वो मसला वही हल हो चुका था, और रिंकू की मलम पट्टी भी उसी दरमियान हो गई थी। लेकिन गुरुवार की सुबह जब रिंकू को उठाने का प्रयास किया तो वो मृत अवस्था में दिखाई दिया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आशा लता खापरे ने अधिक जानकारी साझा की। रेणुका माता मंदिर नवीन ट्रैक बिड़गाव वाटोड़ा पुलिस स्टेशन च्या अंतर्गत इथे इसम नामे रिंकू उर्फ सलीराम व 31 वर्ष हा मयत झालेला आहे। एक विधी संघर्ष बालक आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्या प्लास्टिकच्या कारखान्यामध्ये रात्री मोबाईल वापरण्यावरनं भांडण झालं। जे विधी संघर्ष बालक आहे त्याचा मोबाईल या मयत इसमाने घेतला फोन करण्यासाठी आणि फोडला। याच्यावरनं त्यांच्यात वाद झाला आणि त्यातून एका लाकडी दांडकाने काठीने विधी संघर्ष बालकाला या इसमाला रिंकूला डोक्यावर मारहाण केली। त्यानंतर त्याला मलमपट्टी म्हणजे हळद वगैरे लावून पाणी वगैरे पाजलं आणि तो झोपला होता। सकाळी 5 वाजता जेव्हा बघितलं तेव्हा तो मृत अवस्थेत होता। त्या अनुषंगाने 5:30 वाजता वाटोडा पोलीस स्टेशनला ही खबर मिळाली। तत्काळ तिथे जाऊन आम्ही सदरची कारवाई केली असता सदर इसम हा मयत झाल्याचे आमच्या लक्षात आले। त्या अनुषंगाने माहिती वरिष्ठांना कंट्रोलला देण्यात आली आणि पुढील कारवाई करण्यात आली। हे ज्या त्या ठिकाणी काम करणारे सगळे उत्तर प्रदेशमध्ये राहणारे आहेत, सिद्धनगर बेलतोडा उत्तर प्रदेश इथे राहणारे आहेत, एकाच गावाच्या परिसरातले आहेत, जवळजवळच्या गावातले, आणि ते प्लास्टिक वितळवण्याची कंपनी आहे। प्लास्टिक वितळून त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून ते इतर ठिकाणी पाठवण्याची कंपनी आहे। एकनाथ धकाते यांची ही कंपनी आहे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वही पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच जारी है। कैमरामैन रोशन के साथ वीकेबी न्यूज के लिए दिशा। स्कूल में
बच्चों के लेट आने पर शिक्षिका उन्हें ज्यादा से ज्यादा डांटती थी या उन्हें क्लास के बाहर खड़ा रखती थी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वाकया बताएंगे जहां लेट आने पर चपरासी की जमकर धुनाई की गई। इस पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये वीडियो भंडारा के एक PHC प्राथमिक केंद्र का है। डॉक्टर कदस्कर नामक व्यक्ति ने समय पर ड्यूटी पर न आने के कारण चपरासी नारायण उइके को बेरहमी से लातों घूसों से पीटा। एक और जहां डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, वही डॉक्टर द्वारा ऐसी क्रूरता भरी हरकत कई सवाल या निशान खड़े करती है। जो दूसरों के जख्मों को भरता है, वही दूसरों को जख्म दे, ये सचमुच एक निंदनीय बात है। अपने कार्यालयीन अधिकारियों के शोषण से त्रस्त एक व्यक्ति ने कलेक्टर ऑफिस के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। ये घटना गुरुवार सुबह की बताई गई। उक्त व्यक्ति का कहना था कि कार्यालय के अधिकारी उसका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे थे। व्यक्ति का नाम विनोद मेहरोलिया बताया गया और एक बीते लंबे अरसे से वो वहां कार्यरत था। विनोद को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उसने कई बार इस मसले को लेकर आवाज भी उठाई। हालांकि उसकी उठती आवाज को लोगों ने अनसुना कह दिया, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाने की जानकारी मिली है। विनोद द्वारा उठाए गए इस कदम से थोड़ी देर के लिए कलेक्टर ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। हालांकि थोड़ी देर में व्यक्ति को पुलिस उठाकर ले गई। वही इस मामले में आगे की जांच अभी भी जारी है। मुंबई मालेगांव ब्लास्ट केस के गवाह समील कुलकर्णी ने कहा कि कोर्ट में मुंबई ब्लास्ट केस का 19वां गवाह अपने बयान से पलट गया। आज विशेष न्यायालय मुंबई में दर्ज PTC चार्जशीट का विटनेस नंबर 121 ने आज कहा कि वह मालेगांव ब्लास्ट के सिर्फ एक आरोपी को जानता है, जिसका नाम प्रसाद पुरोहित है। वो भी इसलिए क्योंकि जब वह पचमढ़ी आर्मी में कार्यरत था, तब वह आरोपी उसके बाजू में रहता था। बाकी किसी भी आरोपी को वह नहीं पहचानता, ऐसा विटनेस ने कहा। उसने यह भी कहा कि वो किसी भी अभिनव भारत की मीटिंग में नहीं गया था। उसने कहा कि उसे धमकाया गया था कि अगर वह उन आरोपियों को जानने से इनकार करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आज सम्माननीय विशेष न्यायालय मुंबई में अभियोजन पक्ष का जो ATS का जो चार्जशीट था, उसमें का 121 नंबर का जो ट्रंकेटेड विटनेस था, जो अभियोजन पक्ष की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट विटनेस था, उसने आज भगवान की सौगंध खाकर न्यायालय को बताया कि मैंने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं था ATS को। 6 पन्ने के स्टेटमेंट से वो मुकर गया। उस स्टेटमेंट में 6 आरोपी के नाम थे, उसमें प्रमुख था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर उपाध्याय समीर कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य, सुधाकर चतुर्वेदी। इन 6 आरोपियों में से मैं केवल और केवल प्रसाद पुरोहित पचपड़ी में, जब मैं आर्मी में ड्यूटी करता था तो मेरे बगल में रहता था, इसलिए मैं उसको पहचानता हूँ। बाकी किसी आरोपी को मैं कभी मिला नहीं, ना मैं उनको पहचानता हूँ, ना ही मैं कभी अभिनव भारत की किसी मीटिंग में गया। ये भी आज उसने भगवान की सौगंध खाकर कहा। साथ ही बचाव पक्ष के वकील ने जब उनसे सवाल किया तो उसने कहा कि ATS के अधिकारियों ने मुझे प्रेशर दिया, मुझे हरेशमेंट किया कि मैं अगर उनके मुताबिक अगर स्टेटमेंट नहीं देता हूँ तो तुमको ऑर्थर्ड जेल में हम तेरे को डालेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। ऐसा उसने आज भगवान की सौगंध खाकर कहा। ये अभियोजन पक्ष का 19वां साक्षीदार आज होस्टाइल डिक्लेयर किया है स्पेशल NI कोर्ट ने। एक ऑन ड्यूटी आर्मी ऑफिसर के साथ उस वक्त की ATS मुंबई इस तरह का जुल्म कर सकती है, अपनी मनमानी कर सकती है, तो हम जैसे भारतीय नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव किया होगा आप सोच सकते हैं। 13 वर्ष हो गए जिस झूठे स्टेटमेंट की वजह से हमको वर्षों जेल में रखा गया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद की। आज कंटिन्यूसली 19वां साक्षीदार कहता है कि हमने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, हम किसी को जानते नहीं है, ना किसी उपक्रम में या किसी मीटिंग में मिले हैं। तो उस वक्त का जो UPA गवर्नमेंट है, उस वक्त का जो पुलिस है, जो पपेट था UPA गवर्नमेंट का, उनका कच्चा चिट्ठा आज न्यायालय में खुला है। लेकिन उसके लिए हमें 13 वर्ष राह देखनी पड़ी है। एक आर्मी ऑफिसर, एक कर्नल, ऑन ड्यूटी कर्नल के साथ ATS ने ऐसा बर्ताव किया है। फिलहाल वक्त हो चला है अब छोटे से ब्रेक का। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र और बंगाल पर राज्यपाल निशाना साधते हैं। जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां राज्यपाल तथा ईडी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी का जहां शासन है वहां पे उन्होंने मंदिरों में लगने वाले मेलों में मुसलमान दुकान न लगाए, ऐसा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ऐसा करने से देश का माहौल बिगड़ सकता है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कल बहुत दिन के बाद पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों में महंगाई के ऊपर हंगामा हुआ और सदन नहीं चल पाई। अब चुनाव खत्म हो गया तो महंगाई बढ़ गई। यही बीजेपी की एक नीति है, चाल है, खेल है, लोग फंस जाते हैं। लेकिन पूरे देश में जो माहौल वापस एक बार बनेगा महंगाई के खिलाफ, असली समस्या यूक्रेन रशिया का युद्ध नहीं है, असली समस्या हिजाब नहीं है, असली समस्या कश्मीर फाइल नहीं है, वो रहेगा। देश की असली समस्या महंगाई है और बेरोजगारी है। कर्नाटक में एक नया हिजाब के बाद एक नया मामला आ गया, मंदी डिनर काल मुख्यमंत्री डिनर डिप्लोमसी झाली नेमको काय केलं, पहिल्यांदाच झाली हे सरकार म्हणल्यानंतर चुकीची माहिती आपल्याकडे अजून माहिती आहे। मुख्यमंत्री पदाची त्यांनी जबाबदारी घेतल्यापासून मुख्यमंत्र्यांनी वर्षा मागल्यावरती अनेकदा आमदारांना जेवायला बोलवलेलं आहे। स्नेहभोजन ही एक परंपरा आणि प्रथा आहे। अधिवेशनापूर्वी विरोधी पक्षाला चहापानाला बोलवलं जातं, पण त्यांना मुख्यमंत्र्यांचं चहापान गोड लागत नाही आणि मग आमदारांना बोलवलं जातं, महाविकास आघाडीच्या किंवा अन्य सगळ्या। त्यानुसार काल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना जेवायला बोलवलं असेल, चर्चा केली असेल, चांगली गोष्ट आहे। देखिए, महाराष्ट्र में और बंगाल में राज्यपाल दोनों सरकारों पर निशाना साधते हैं। और भी राज्यों में राज्यपाल है, और भी राज्यों में ईडी के कार्यालय हो सकते हैं, लेकिन ईडी और राज्यपाल, जहां बीजेपी का शासन नहीं है वहां सिर्फ हमको ही निशाना साधा जाता है, उसका मतलब आप समझ लीजिए। सर, तुमने पे पाबंदी लगाई, बहुत ही गलत है ये बहुत ही गलत है। इस प्रकार का माहौल अगर इस देश में बढ़ता जाएगा, बढ़ाया जाएगा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तो देश का माहौल ऐसा बिगड़ेगा कि विभाजन पूर्व स्थिति पैदा हो जाएगी। केंद्रीय तपास यंत्रणा ज्या पद्धतीनं सुडाच्या भावनेनं बदल्याच्या भावनेनं तपास करतायत आणि कारवाई करतायत, त्या पद्धतीनं महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र गृहमंत्रालय कधीच करणार नाही। महाराष्ट्राचं गृहमंत्रालय, त्याला एक प्रतिष्ठा आणि परंपरा आहे चांगली, चांगल्या नेत्याची आणि चांगल्या नेतृत्वाची आणि कायद्याचं पालन करण्याची, ते त्या पद्धतीनंच काम करेल। विरोधी पक्षनेते कितीही बोंबलले की सुडाच्या कारवाया सुरू आहेत,
जर आम्हाला सुडाच्या कारवाया करायच्या असतील तर आम्हाला केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून प्रशिक्षण घ्यावं लागेल त्यासाठी आणि आम्हाला त्याची आवश्यकता नाही. घर में सेन मारकर चोरी करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तहसील पुलिस ने सिराज अहमद वल्द अब्दुल रहमान अंसारी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की. पुलिस ने आरोपी से 4,55,100 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया. इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक विनायक गोल्हे ने अधिक जानकारी साझा की. दिनांक 18/3/2022 रोजी सकाळी 7:30 वाजताच्या सुमारास फिर्यादीनामे सिराज अहमद वल अब्दुल रहमान अन्सारी वय 58 वर्ष राहण्याचं ठिकाण बैतुल अन्सार बिल्डिंग 401 तकिया मामूनशाह मोमिनपुरा नागपूर पश्चिम नागपूर पूर्व हे यांच्या घरामध्ये सकाळी 7:30 वाजताच्या सुमारासमध्ये अज्ञात आरोपींनी येऊन घरातील जवळजवळ 5,65,000 रुपयाचा मुद्देमाल त्यामध्ये 4,55,000 रुपयाचं सोने चांदीचे दागिने हे घेऊन घराची कडीकोंडा तोडून पळून गेलेले होते आणि त्यानुसार फिर्यादीने दिलेल्या तक्रारीनुसार तहसील पोलीस ठाणे नागपूर या ठिकाणी गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 162/2022 कलम 380, 454 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदर गुन्ह्याचा दाखल केल्यानंतर माननीय पोलीस उपायुक्त श्री राजमाने सर ACP श्री संजय सुर्वे सर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक तृप्ती सोनवणे मॅडम आणि आमच्या मार्गदर्शनाखाली संजय दुबे ESI ह्या DB पथकाच्या टीमने यातील चोरीस गेलेला मुद्देमालासाठी खबऱ्यांचं जाळे पसरवून या चोरीस गेलेल्या मुद्देमालामधील आरोपींनी मुख्य आरोपी निष्पन्न करून जो मुद्देमाल आहे तो त्याच्या आईच्या ताब्यातून हस्तगत केलेला आहे. यामध्ये टोटल 4,55,100 रुपयाचा मुद्देमाल सोने चांदीचे दागिने हस्तगत करण्यात आलेले आहेत आणि 1,10,000 रुपयाची जी गाडी गुन्ह्यासाठी वापरली होती ती गाडीसुद्धा त्यांनी ताब्यात घेतलेली आहे. असा 5,65,100 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे. चोरीस गेलेला मुद्देमाल हस्तगत करून आरोपी नामे शाहीन परवीन मोहम्मद निजाम यांना या गुन्ह्यात अटक केलेली आहे. त्यांना माननीय न्यायालयात हजर केलेला आहे. तसेच त्यातील जो मुख्य आरोपी आहे आरिफ उर्फ बंगाली वल मोहम्मद निजाम शेख वय 25 वर्ष हा फरार असून त्याला आमची टीम लवकरच अटक करणार आहे. सध्या उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये बरेचसे लोक घरातील नातेवाईकांकडे लग्न समारंभामध्ये इकडे तिकडे फिरत असतात तर लोकांना असं आमचं आवाहन करणं आहे की कुठेही बाहेर जाताना आपल्या जे मौल्यवान चीजवस्तू असतील त्या चीजवस्तू शक्यतो बँक्स लॉकरमध्ये आपण ठेवाव्यात. कोणत्याही चीजवस्तू सोने चांदीचे दागिने महत्त्वाच्या वस्तू या घरामध्ये ठेवू नये. बँकेमध्ये लॉकरमध्ये आपल्या सेफ राहतील. बाहेर जाताना आपल्या आजूबाजूचे शेजारी नातेवाईक यांना त्याबाबतची माहिती देत राहा की जेणेकरून आपल्या घरामध्ये कोणी नाही याची कल्पना आरोपींना मिळून जाणार नाही. त्याचबरोबर इतर ज्या काही महत्त्वाच्या आपल्या गोष्टी असतील ज्या दागिने असतील आपले महत्त्वाचे डॉक्युमेंट असतील हे शक्यतो घरामध्ये न ठेवता आपल्या बेस्ट लॉकरमध्ये ठेवाव्यात आणि याबाबतची माहिती आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना देणं आवश्यक वाटतं. या टीममध्ये जे काही महत्त्वाचं काम केलं आहे ते आमचे सहायक फौजदार संजय दुबे मेजर पोलीस हवालदार सुनील कुशराम पोलीस हवालदार शैलेश दबोले पोलीस हवालदार संजय शाहू नाईक पोलीस शिपाई प्रशांत चचाने प्रदीप सोनटक्के पुरुषोत्तम जगनाडे नजीर शेख कॉन्स्टेबल रशीद शेख कॉन्स्टेबल प्रवीण लांडे त्याचबरोबर महिला पोलीस शिपाई अर्चना सलामे यांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे काम केलेलं आहे आणि जो फरार आरोपी यांनासुद्धा नजीकच्या काळामध्ये लवकरच त्याला अटक करण्यासाठी आमचा प्रयत्न राहणार आहे. धन्यवाद. स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत महान क्रांतिकारी भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर शहर के राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने बुधवार को पदरैली निकाली. सुबह 8 बजे ट्रैफिक पार से शुरू हुई इस रैली का समापन शाम 7:30 बजे विदर्भ हॉकी ग्राउंड महाराज बाग चौक अमरावती रोड पर हुआ. यह पदरैली हॉकी ग्राउंड महात्मा गांधी पुतला वेराइटी चौक बर्डी मार्केट लोहा पुल दुर्गा माता मंदिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुतला टेकली रोड फ्रीडम पार्क नागपुर विश्वविद्यालय से होकर गुजरी.
किलोमीटर दूर कवठा में 3 किसानों पर बाघ ने हमला कर दिया। इस मामले में 2 लोग घायल हुए हैं, वही एक के पैर पर गंभीर चोट आई है। घायलों में गंगाधर भोयर, प्रशांत इरदंडे और संकेत मिसार का समावेश है, जिन्हें यवतमाल के प्राथमिक रुग्णालय में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 3 किसान अपने खेत में जा रहे थे, इस दरमियान अमरदीप धड़सनवार नामक व्यक्ति के खेत से बाघ आया और उसने तीनों किसानों पर हमला कर दिया। बाघ के अचानक आने से तीनों एक दूसरे पर गिरे। तीनों ने बाघ को भगाने की कोशिश की, लेकिन बाघ जाने की मनस्थिति में नहीं था। बाघ ने हमला जारी रखा। इस परिस्थिति में तीनों ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन बाघ ने वैभव नामक किसान पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। उसके बाद प्रशांत इरदड़े नामक किसान पर बाघ ने हमला किया और उसे भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। तीनों की चीख सुनकर गांव वालों ने तुतारी की काठी से बाघ को भगाने का प्रयास किया, जिससे बाघ भाग खड़ा हुआ। हालांकि तब तक तीनों ही किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसके चलते उन्हें यवतमाल के एक प्राथमिक रुग्णालय में इलाज के लिए भर्ती किया गया। बता दें कि ये घटना इस इलाके की पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिससे वन विभाग पर कई सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। अकोट के रामटेकपुरा, राहुल नगर, दुर्गा नगर जैसे कई हिस्सों में आवारा कुत्तों ने कई नागरिकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है और उनके शरीर के कई हिस्सों को काट लिया है। उन्हें आगे के इलाज के लिए अकोला के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान कृष्णा अवंदकर, माही तेलगोटे, जय मोरे, वनमाला तेलगोटे, लकी शेगोकर और सचिन गोप नारायण के रूप में हुई है। ये सभी अकोट के रहने वाले हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही गोपाल नागपुरे सरकारी अस्पताल पहुंचे और जरूरतमंदों की उचित मदद की। अकोला नगरपालिका क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या अधिक है, जिससे हमारे नगरपालिका क्षेत्र में भी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए आवारा कुत्तों का बंदोबस्त किए जाने की मांग यहाँ के नागरिकों द्वारा की गई। मैं डॉक्टर महेश जायसवाल, ऑन ड्यूटी कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, GMC अकोला। आज हमारे यहाँ पे 2 बजे के बाद में लगभग अकोट शहर से डॉग बाइट के 18 से 20 एक ही करके केसेस आना शुरू हुए, जिनमें सभी लोग अक्सर सब बच्चे थे 5 या 6 साल के, जिनके ऊपर हमारे स्टाफ ने सभी ने मिलकर इलाज अभी शुरू किया है। ट्रीटमेंट चल रहा है, आगे का ट्रीटमेंट जैसा भी होता है, जो भी होता है, हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन अभी सबकी कंडीशन, कुछ बच्चों की क्रिटिकल है, बाकी सब तो स्टेबल है। जैसा भी होता है वो आपको शाहिद भाई के थ्रू हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। VKB न्यूज के लिए अकोला से वर्षा मोरे की रिपोर्ट। वर्धा कोर्टरूम में मारपीट और चाकू मारने की खबर का निषेध करते हुए गुरुवार को DBA और महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल की ओर से उपरोक्त मुद्दे पर न्याय मंदिर भवन नागपुर की भूतल लॉबी में एकत्रित हुए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस संपूर्ण घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और इस विषय पर एक ज्ञापन कलेक्टर को भी दिया। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं। हाल ही वर्धा कोर्ट में एक महिला पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में अपना कड़ा निषेध दर्ज करते हुए DBA और महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल की ओर से उपरोक्त मुद्दे पर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए गुरुवार को न्याय मंदिर भवन नागपुर की भूतल लॉबी में आए। इस दरमियान मौजूद लोगों ने इस संपूर्ण घटनाक्रम का विरोध किया। उनका कहना था कि ऐसी घटनाओं का होना कोर्ट में वकीलों की सुरक्षिता पर कई सवाल या निशान खड़े करता है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, लेडी लॉयर्स बार काउंसिल ने तुरंत जो इसका निषेध किया है वो घटना का एडवोकेट मून के, ये स्तुतिप्रदक घटना है। इन्होंने जो अभिनंदनीय स्टेप्स इन्होंने ली है, मगर एक बात इसमें ये है कि जो सबको जज रही है कि एक लीगल एड में काम करने वाले लॉयर के तरफ जिस तरह से एक्यूज देखता है और हमला करता है वो बहुत ही गलत बात है। और इसलिए क्वेश्चन अभी हुआ, अभी तक स्त्रियों के सिक्योरिटी का क्वेश्चन हुआ, तर अभी तो महिला वकील की सिक्योरिटी का क्वेश्चन अभी आगे आ रहा है कि वो कैसे काम करेगी। जिला न्यायालय है, तालुका प्लेस है, ग्रामीण प्लेस है, सभी जगह महिलाएं काम करने लगी है। तो इसलिए तुरंत शासन ने, पुलिस ने दखल देकर, प्रमुख न्यायाधीशों ने देकर दखल देकर इस घटना के तरफ देखते हुए पूरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त उन्होंने कर देना चाहिए। देखिए, आज हमने अभी कलेक्टर को, नागपुर कलेक्टर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। जो हमला हुआ है वर्धा में वो बड़ा निंदनीय है, एक लेडी लॉयर पर हमला हुआ है। हम लोगों की यही डिमांड है कि जो कोर्ट्स में जो सिक्योरिटी का जो कमतरता है, जो सिक्योरिटी नहीं है, बराबर नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में, नॉट ओनली इन वर्धा, नागपुर, सभी जगह कोर्ट में हम देखा जाए तो सिक्योरिटी की बहुत कमी है।
यानी एक इंसान, एक आरोपी जो जिसने हमला किया है वो कोर्ट में चाकू लेके जा रहा है, इस पर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी कितनी कम है, सिक्योरिटी कितनी कमज़ोर है हमारी। तो हमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। जितने लॉयर्स हैं इन लोगों की एक ही डिमांड है कि कोर्ट में जो भी आता, क्योंकि केस कैसे चलाएंगे, जब तक सिक्योरिटी नहीं रहेंगी तब तक केसेस कैसे चलाएंगे, हमले होते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। वो तो जो लॉयर थी वो लीगल एड की लॉयर थी, किसी को मदद ही कर रही थी। मैडम ने कहा कि वो हम ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है हम कमिश्नर को देंगे, फॉरवर्ड करेंगे। हमारी जो डिमांड है हम अभी चीफ मिनिस्टर से भी मिलेंगे, हम बार काउंसिल की तरफ से भी चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे और एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो हम लोगों ने ड्राफ्ट किया हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया हुआ है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, जो बिल है वो लेके जो आने वाले हैं वो अभी तक आया नहीं है। उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, कलेक्टर मैडम को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि ये जल्द से जल्द फॉरवर्ड करें। तो उसके लिए हम लोग अभी एडमिनिस्ट्रेटिव जज से भी मिलेंगे, क्योंकि एक हाईकोर्ट का एक डायरेक्शन भी आया था कि कोर्ट हॉल में भी सीसीटीवी कैमरे रहने चाहिए। तो उसके बारे में भी हम लोग अभी आज एडमिनिस्ट्रेटिव जज से मिलेंगे कि हर कोर्ट हॉल में पूरे महाराष्ट्र में, जैसा हाईकोर्ट ने ही कहा है, हम नहीं कह रहे, हाईकोर्ट ने ही कहा है, एक बार काउंसिल ने रेजोल्यूशन लिया था कि हर कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे रहने चाहिए। तो सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए करके, कोर्ट हॉल में भी लगने चाहिए करके हम एक रिप्रेजेंटेशन आज एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भी देंगे। उन्होंने इस वक्त संपूर्ण घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा की। वही कहा कि पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और जिलाधिकारी विमला आर को इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिए। इतरांच्या न्याय हक्कासाठी भांडणाऱ्या आणि इतरांना न्याय मिळावा यासाठी रात्रंदिवस एक करणाऱ्या, अभ्यास करणाऱ्या आणि स्वतःच्या तब्येतीकडे न पाहता स्वतःचे सगळे प्रॉब्लेम विसरून इतरांना न्याय मिळावा म्हणून धावणाऱ्या आमच्या एका वकील भगिनीवर काल अतिशय निर्घृण हल्ला झालेला आहे वर्धा कोर्टामध्ये। सगळ्यात दुःखाची बाब आहे की कोर्टाच्या आवारामध्ये, कोर्ट रूममध्ये हा हल्ला झालेला आहे आणि त्याचा आम्ही सगळ्या वकील मंडळींनी इथे तीव्र शब्दात निषेध केलेला आहे आणि तिला न्याय मिळावा याच्याकरता एक कायदा पारित व्हावा आणि त्या कायद्याअंतर्गत सगळ्या वकिलांना संरक्षण मिळावं अशी आमची मागणी आहे। या मागणीकरता आम्ही आज या ठिकाणी सगळेजण जमलो होतो आणि या हल्ल्याचा निषेध आम्ही केलेला आहे। डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशन हूँ। ये जो घटना वर्धा की हुई है हमारी बहन के साथ में, योगिता मून के साथ में, ये घटना इसके पहले इसी तरह की घटना नागपुर कोर्ट में भी हो चुकी है। नागपुर कोर्ट में मर्डर तक के हो चुकी है और ये सिक्योरिटी के साथ में बहुत खिलवाड़ हुआ जा रहा है, हो रहा है, बार बार हो रहा है। इसके बारे में कमिश्नर ऑफ पुलिस नागपुर ने भी और कलेक्टर नागपुर ने भी सीरियस कॉग्निजेंस लेना चाहिए। हमने आज रिप्रेजेंटेशन दिया है कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टर साहिबा को हमने रिक्वेस्ट किया है कि नागपुर में भी यहाँ करीब करीब 10,000 से 12,000 वकील लोग आते हैं और उनकी सुरक्षा ताक पे लग गई है। इनके सुरक्षा के कुछ भी व्यवस्था इंतजाम नहीं है। काफी दिनों से हमने सीसीटीवी की व्यवस्था के लिए भी रिक्वेस्ट किया था लेकिन आज तक के कुछ भी नहीं हुआ है। हमारी सारी बहनें जो है आज खतरे में और हम खुद भी खतरे में जी रहे हैं। तो प्रशासन ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लेना चाहिए और जल्द से जल्द सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए, यह मेरा आपके माध्यम से कहना है। वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।